लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को लगे सेटबैक की एक बड़ी वजह महाराष्ट्र का वो विदर्भ क्षेत्र भी था, जहां बीजेपी ने इस बार आधी से भी ज्यादा सीटें अकेले जीत ली हैं। विदर्भ में हमेशा से अगर देखा जाए तो गढ़ तो बीजेपी का ही है, लेकिन बहुत बार ये देखा गया कि वहाँ के किसान जो है वो अपनी समस्याओं से जूझते हैं, वो पूरा इलाका ही ऐसा है। तो इस पर खासी चुनावी एक जिसको कहते हैं कि रोशनी रही, और इसलिए विदर्भ में हमने देखा कि इस बार प्रयास अच्छा रहा। इसी तरह मराठा आरक्षण के मुद्दे पर भी बीजेपी की चिंता बड़ी थी, क्योंकि सवाल ओबीसी वोट बैंक को संभालने का भी था। आपको करना क्या होता है, आपको मुद्दे बदलने होते हैं, उनको ट्वीक करना होता है, वो नहीं हो पाया। मनोज जरांगे पाटिल ने जरूर अपनी बात कही, लेकिन शिंदे ने उसका अच्छी तरीके से जवाब दिया, शिंदे ने उसको बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया। मराठा आरक्षण के मुद्दा नहीं चला, इसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बड़ा हाथ रहा। महायुति के महाविजय की एक बड़ी वजह ये भी रही कि इस बार गठबंधन ने चुनाव प्रचार में महाराष्ट्र के सियासी चेहरों का पूरा इस्तेमाल किया। चाहे वो अजीत पवार हों, सब अपने आप में टॉल लीडर्स हैं। अजीत पवार की अपनी आइडेंटिटी है, बहुत जाने माने वहाँ के नेता हैं। शिंदे जी वहाँ के मुख्यमंत्री और उन्होंने कमान अपनी तरह से संभाली। राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय रहे देवेंद्र फडणवीस, लेकिन कहीं भी ये नहीं लगा कि सब अलग अलग चल रहे हैं। तो ये जो मिलजुल कर काम करने की जो बात है, उससे पार्टी को बहुत बड़ा एक सबल एफर्ट मिला। महायुति की ऐतिहासिक जीत में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का भी बड़ा योगदान रहा, क्योंकि उनकी लड़ाई दो तरफा थी। लेकिन इस ऐतिहासिक जीत में संघ की भूमिका सबसे ज्यादा निर्णायक रही, खासकर तब जबकि हालात विपरीत नजर आ रहे थे। किरण रिजिजू को वहां से प्रचार करवाया गया, क्योंकि वो बौद्ध हैं, बहुत लोगों में उन्होंने जाके प्रचार किया। तो ये सिर्फ आरएसएस की सोच है, आरएसएस की प्लानिंग है। मैं एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं इसीलिए, ये समझाने के लिए कि आरएसएस ने कितने डिटेल में इस बार प्रचार किया, और उसका सीधा असर हम देख रहे हैं, बहुत बड़ा लाभ हुआ महायुति को। निश्चित तौर पर महायुति के लिए ये जीत बहुत बड़ी है, लेकिन उससे भी बड़ा ये सबक है महाविकास अघाड़ी के लिए।